IDF ने ईरान या लेबनान के भीतरी इलाकों में हमले का अभ्यास किया। इस दौरान हवा में ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। ये ड्रिल इजरायली हवाई क्षेत्र के ऊपर की गई और इसमें IEF के ईंधन भरने वाले बोइंग 707 विमान के साथ कई F-35I और F-15 लड़ाकू जेट शामिल हुए। IDF के F-35I जेट ने दिखाई ताकत। इजरायली F-15 बर पाएंगे कयामत। इजरायली वायुसेना के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हर वक्त हमले के लिए रेडी रहते हैं। इजरायली खेमे में यूं तो कई घातक लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें अमेरिका से खरीदा गया F-35I स्टिल्थ फाइटर जेट सबसे अहम है। इजरायल अपने क्षेत्रफल से आकार में कई गुना बड़े ईरान पर हमला करने के लिए F-35I की मदद ले सकता है। इसकी ताकत और खासियत बेमिसाल है। यह अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 1410 किलोमीटर तक है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 8200 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। इसमें 5 तरह की एयर टू एयर मिसाइलें लगी होती हैं। यह 5 तरह की एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी लैस है। एंटी शिप मिसाइलें इसे और ताकतवर बनाती हैं। JDAM और GBU-53 समेत 6 तरह के बम से यह लैस है। स्टील तकनीक से लैस होने के चलते यह रडार को चकमा दे सकता है। इजराइल सीरिया की सीमा के पास से अपने F-35I फाइटर जेट्स की उड़ान भरवा सकता है, जहां से उसके विमान सीरिया, तुर्की और सऊदी के आसमान से उड़कर ईरान तक पहुंच सकते हैं और वहां तबाही की कहानी लिख सकते हैं। IDF की ड्रिल में F-15 ईगल फाइटर जेट भी शामिल हुए। ईरान पर डीप पेनिट्रेशन के लिए इजराइल इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। F-15 फाइटर जेट्स ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। इसकी ताकत और खासियत भी जान लीजिए। यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 4445 किलोमीटर तक है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें M9 और M120 मिसाइलें लगी होती हैं। यह 11113 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसके हमले की प्लानिंग को देखते हुए इजराइल इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को हाई अलर्ट पर कर रखा है। टीम न्यूज नेशन। इजराइल के हवाई योद्धा तैयार। हिजबुल्ला ईरान पर होगा प्रहार। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हमले के लिए प्लानिंग में जुटे हैं, लिहाजा इजराइल भी उन हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान अगर मिडिल ईस्ट की मजबूत मिसाइल ताकत है, तो इजराइल अपनी आसमानी ताकत के बूते इस इलाके पर राज करता है।
ईरान और उसके सहयोगियों की तैयारी को देखते हुए इसराइल अपनी हवाई ताकत को धार देने में जुटा है। इसी कड़ी में उसने अपने फाइटर जेट्स के साथ युद्धाभ्यास किया। इसराइल की इस ड्रिल को ईरान के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल हाई अलर्ट पर है और उसने चेतावनी दी है कि अगर ईरान या हिजबुल्ला हमला करते हैं तो वो करारा जवाब देगा। איראן רצתה לפגוע ביכולות אסטרטגיות של מדינת ישראל. זה דבר שלא היה בעבר. אנחנו נערכנו במבצע מגן ברזל. ההערכות הזו הביאה את איראן לפגוש גם עליונות אווירית שאתם ביטאתם אותה בצורה מאוד טובה. אנחנו ביום שני שעבר ראינו את מה שמתארגן. ואנחנו חושבים... IDF ने ईरान या लेबनान के भीतरी इलाकों में हमले का अभ्यास किया। इस दौरान हवा में ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। ये ड्रिल इजरायली हवाई क्षेत्र के ऊपर की गई और इसमें IAF के ईंधन भरने वाले बोइंग 707 विमान के साथ कई F-35I और F-15 लड़ाकू जेट शामिल हुए। IDF के F-35I जेट ने दिखाई ताकत। इजरायली F-15 बर पाएंगे कयामत। इजरायली वायुसेना के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हर वक्त हमले के लिए रेडी रहते हैं। इजरायली खेमे में यूं तो कई घातक लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें अमेरिका से खरीदा गया F-35I स्टिल्थ फाइटर जेट सबसे अहम है। इजरायल अपने क्षेत्रफल से आकार में कई गुना बड़े ईरान पर हमला करने के लिए F-35I की मदद ले सकता है। इसकी ताकत और खासियत बेमिसाल है। यह अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 1410 किलोमीटर तक है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 8200 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। इसमें 5 तरह की एयर टू एयर मिसाइलें लगी होती हैं। यह 5 तरह की एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी लैस है। एंटी शिप मिसाइलें इसे और ताकतवर बनाती हैं। JDAM और GBU-53 समेत 6 तरह के बम से यह लैस है। स्टील तकनीक से लैस होने के चलते यह रडार को चकमा दे सकता है। इसराइल सीरिया की सीमा के पास से अपने F-35I फाइटर जेट्स की उड़ान भरवा सकता है, जहां से उसके विमान सीरिया, तुर्की और सऊदी के आसमान से उड़कर ईरान तक पहुंच सकते हैं और वहां तबाही की कहानी लिख सकते हैं। IDF की ड्रिल में F-15 ईगल फाइटर जेट भी शामिल हुए। ईरान पर डीप पेनिट्रेशन के लिए इसराइल इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। F-15 फाइटर जेट्स ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। इसकी ताकत और खासियत भी जान लीजिए। यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 4445 किलोमीटर तक है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें M9 और M120 मिसाइलें लगी होती हैं। यह 11113 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसके हमले की प्लानिंग को देखते हुए इसराइल इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को हाई अलर्ट पर कर रखा है। टीम न्यूज़ नेशन।